हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में 27 फरवरी को साइंस का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों का एक मैराथन वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो साइंस है इसमें 70 में 70 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेहनत करके एक मैराथन वीडियो बनाया गया है। इसमें आपके सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो 100% गारंटेड हैं कि आएंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये भी 100% वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे ही, 100% आपको पक्का यही देखने को मिलेगा। और आपके सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आंसर के साथ सारा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखते हो तो आप लोग साइंस में 95% जरूर लाओगे, क्योंकि आप लोगों का इसी वीडियो में पूरा साइंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और पेपर में जाना आप 27 फरवरी को पूरा तबाही मचा देना, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसमें वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय देखेंगे, फिर सारे लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, सबसे पहले केमिस्ट्री का देखेंगे, फिर आप लोगों का फिजिक्स, फिर बायोलॉजी का, ठीक है, फिर हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलो हम लोग देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। केमिस्ट्री का बहुविकल्पीय बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखो, लिखा हुआ है Fe2O3, ठीक है, ध्यान से समझना एक ही क्वेश्चन को, ठीक है। Fe2O3 +2Al gives out Al2O3 and +2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ऊपर दी गई जो आपकी अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है, ठीक है। और आपका ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, वी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी है वियोजन अभिक्रिया, एंड डी है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो केमिस्ट्री का पहला ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, तैयार कर लेना। देखो यहां क्या होता है ना कि O3 क्या हुआ, यहां Fe जो है वो आप लोगों का जो O3 है वो Al के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये विस्थापित हुआ, इसलिए हमारा ये विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सा होगा? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, याद रखना। ये पहले हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव देते हैं, सारे हमारे केमिस्ट्री के हैं, अभी हमारे फिजिक्स एंड बायोलॉजी सब कुछ इस वीडियो में है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती हैं, जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है AgCl, वी है PV एंड NO3 का होल ट्वाइस, एंड सी है FeSO4, एंड डी है CaCO3। तो श्याम फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी की बात की जा रही है, तो AgCl का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। AgCl याद रखना, जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ये समझ लो कि रामबाण है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइक करते रहना, शेयर भी करते रहना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर लिखिए या निशान लगाइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, वी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी हमारा है क्लोरीन गैस आप लोग कोई अभिक्रिया नहीं होती, एंड डी है आयरन लवण एवं जल बनता है, ठीक है। तो जब लौह की चूर्ण को आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालोगे क्या होगा, आप लोगों का हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 0, या वी है 7, या सी है 7 से कम, या डी है आपका 7 से अधिक। बच्चों अम्लीय विलयन का पीएच मान देखो 0 से स्टार्ट होता है, 7 होता है बीच में, फिर आपका 14 होता है। तो आपका 7 से कम जो होगा वो अम्लीय होगा, 7 से अधिक जो होगा वो क्षारीय होगा। 0 से 7 के बीच में अम्लीय होता है, और जो 7 होता है वो स्वयं उदासीन होता है, और 7 से 14 के बीच में क्षारीय होता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कौन सा सही है, 7 से कम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, याद रखना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 0, वी है 1, एंड सी है 7, एंड डी है हमारा 14। तो जो शुद्ध जल होता है, जो बिल्कुल शुद्ध होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो हमारा कितना होता है, वो उदासीन होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, इसलिए हमारा 7 होता है, ठीक है। तो याद रखना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल क्लियर करते चलना, जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो वो सारे क्लियर कर लेना, क्योंकि ये हमारे वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं यहां गारंटी के साथ कह सकता हूं वेरी इंपॉर्टेंट और 100% वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इन सारे को पढ़ा रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर सिक्स है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम बताना है। सोडियम क्लोराइड है या सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम का बाई कार्बोनेट या फिर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो धावन सोडे का हमारा रासायनिक नाम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछ रहा है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। याद रखना, अगर ना याद हो लिख लिख कर याद करो, ना याद हो सुबह उठकर याद करो, टाइम कम है पढ़ना ज्यादा है, ठीक है। अब अगर आप लोग इस स्मार्ट तरीके से तैयारी करोगे, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, पूरा बुक पढ़ना भी इम्पॉसिबल है, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको पढ़ो, ये सारे इंपॉर्टेंट है, वो आएंगे ही आएंगे। अगर आप पेपर उठा के देखोगे ना, वो आप अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे तो वही क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें देख लो पेपर में क्या आया हुआ है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, देखो मैंने बता रखा है शुद्ध जल, ये पेपर है, ठीक है। अम्ल हाइड्रोजन हटाने का धातु है, अभी आगे बताऊंगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र अभी मैं आपको आगे बताऊंगा आगे वाले में। ये सब कितना आसान है, अगर आप लोग देखोगे ना पेपर में यही सब आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेवन है कि निम्न में से अम्लीय लवण है, निम्न में से अम्लीय लवण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है NaCl, बी है NaHSO4, एंड सी है Na2SO4 एंड KCl, KCN। तो निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? अम्लीय लवण बताना है, ठीक है। तो अम्लीय लवण आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, जिसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं वो अम्लीय लवण होता है। तो हमारा NaHSO4 में क्या है? एच है, हाइड्रोजन आयन है, इसलिए हमारा ये क्या होगा? अम्लीय लवण होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना, अगर कंफ्यूजन हो तो बता देना, ठीक है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, जो पीने वाला जल है अगर उसको जीवाणु रहित करना है तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है CaOCl2, बी है CaCl2, सी है CuCl2 एंड डी है CaCO3। तो जो पीने वाला जल है अगर उसको जीवाणु रहित करना है, मतलब जीवाणुओं को हटाना है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए सही है क्वेश्चन नंबर एट का। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। अब आप लोग फोकस करो, लिखा हुआ एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10^9 m है, इस विलयन का पीएच मान है। आपको यह बताना है कि एक विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10^9 m है, इस विलयन का पीएच वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर ए है 9, वी है 10 एंड सी है 10-9 एंड डी है आपका कोई नहीं। तो अब आप लोगों को पता ही होगा, देखो 10^9 है वो नीचे होता है, जब वो ऊपर जाता है तो वो 9 जो है वो माइनस में है वो प्लस हो जाता है, इसलिए हमारा 10^9 प्लस होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है धातु है, आधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। एंटीमनी क्या है बच्चों? एंटीमनी फटाफट से बता दो, जानते होंगे। तो एंटीमनी जो हमारा है वो एक उपधातु है, क्या है? सॉरी, हाँ उपधातु है, हाँ एंटीमनी एक उपधातु है। जब मैं आप लोगों को उपधातु पढ़ा रहा था तो उसमें एक एग्जांपल बताया रहा होगा कि एंटीमनी। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अब याद कर लो, अभी आपके पास समय है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? अम्ल में से हाइड्रोजन वही नहीं विस्थापित कर पाएंगी जो स्वयं हाइड्रोजन के नीचे होंगे सक्रता श्रेणी में, जो ऊपर होंगे वो आसानी से विस्थापित कर देंगे, जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है FeZnCuMg। बच्चों इसमें कौन सा हाइड्रोजन के नीचे है? अगर आपको सक्रता श्रेणी याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो, क्योंकि ये आपके काम आएगा। तो हमारा जो Cu है कॉपर, ये हमारा हाइड्रोजन के नीचे होता है, इसलिए ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि ये स्वयं इनसे गरीब हैं और इनसे नीचे स्थित हैं, और जो उनसे नीचे हैं वो ऊपर वाले को कैसे विस्थापित कर पाएंगे, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, मैट में मुख्यता होता है, जो मैट होता है मैट में मुख्यता क्या होता है? FeS या Cu2S या Cu2S तथा FeS या Cu2S तथा Fe2S3। मैट में बताना है, मैट में मुख्यता क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12 है और आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा। तो हमारा Cu2SFeS, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, पीतल क्या है? पीतल क्या है बच्चों? पीतल ऑप्शन नंबर हमारे पास बहुत सारे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा, पीतल है धातु है या आधातु है या उपधातु है या मिश्र धातु है? पीतल को बताना है बच्चों, पीतल। तो जो हमारा पीतल है ना, पीतल एक मिश्र धातु है, क्योंकि ये कई सारी चीजों से मिलकर बनता है, और ये एक मिश्र धातु है जो सामान मात्रा में मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप याद कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको साइंस में, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14 अब देखो लिखा हुआ है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है, जो ब्यूटेनोन होता है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, या यहां सिंगल सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, या फिर हमारा सिंगल बॉन्ड ओ एच, या सिंगल बॉन्ड सी ओ ओ एच। ब्यूटेनोन जिसका मतलब है कीटोन समूह। अब कीटोन समूह का क्रियात्मक समूह क्या होता है? सीओ होता है। ठीक है, क्या होता है? सीओ, ये वाला। इधर इधर हाइड्रोजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। समझ में आ गया ना? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक अम्ल, या एथेनोइक अम्ल, या प्रोपेनोइक अम्ल, या मेथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का आपको आईयूपीएसी नेम बताना है, एसिटिक अम्ल का। अब एसिटिक अम्ल का जो आईयूपीएसी नेम होगा वो हमारा होगा, देखो इसमें दो कार्बन होते हैं CH3COOH, इसलिए हमारा ना मेथ में नहीं होगा, ना प्रोप में होगा, एथ में होगा, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओइक जोड़ा जाता है लास्ट में और COOH ग्रुप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्न में से किस यौगिक में कीटोनी समूह है? कीटोन समूह बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है एच, फिर सिंगल बॉन्ड सी, फिर डबल बॉन्ड ओ, फिर सिंगल बॉन्ड एच। ठीक है, ये हमारा सी एच ओ ग्रुप है, एल्डिहाइड। फिर यहां आपका वी है सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी, फिर डबल बॉन्ड ओ, फिर सिंगल बॉन्ड ओ एच, यानी कि सी ओ ओ एच है। ठीक है, और कीटोन समूह यहां देखो सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी, फिर डबल बॉन्ड ओ, सी एच थ्री, ये सी ओ, हाँ ये कीटोन समूह है, सही है, ये हमारा अलग समूह है, ये हाँ डी वाला सही है, कीटोन समूह सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी, फिर डबल बॉन्ड से ओ जुड़ा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड से सी एस थ्री, डबल हमारा इधर इधर एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बच्चा हो गया सही क्वेश्चन नंबर 16 का डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखो, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु है? एसिटिक अम्ल में आपको यह बताना है कि कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु है। ऑप्शन नंबर ए है वन, बी है टू, सी है थ्री, या डी है फोर। एसिटिक अम्ल में बताना है, एसिटिक अम्ल में कितने हाइड्रोजन अम्लीय परमाणु हैं? कितने हैं? एसिटिक अम्ल एक ही है ना, एक तो हमारा उसके साथ सी एस थ्री सी ओ एच, और ओ ओ एच के साथ जो जुड़ा है एच, वही हमारा है। ठीक है, हमारा एक ही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल में हमारा एक ही हाइड्रोजन अम्लीय परमाणु होता है, ये याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक हैं, असंतृप्त यौगिक बताना है, एथेन या मेथेन या एथिलीन या फिर एथाइल अल्कोहल। देखो मेथेन एथेन जो है वो तो हमारा एल्केन समूह का है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एथाइल अल्कोहल का अगर आप एक संरचना बनाओगे ना, तो इसमें भी आपका क्या आएगा, एक ही सिंगल सिंगल बॉन्ड आएंगे, और एथिलीन यानी कि एल्कीन समूह है, यानी कि हमारा ये असंतृप्त है, असंतृप्त। ठीक है, एल्केन समूह तो फिलहाल आपका संतृप्त ही होता है, इसमें दोनों में एल्केन है क्योंकि एन जुड़ा हुआ है लास्ट में ना, तो ये तो हमारा दोनों कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब एथाइल अल्कोहल का आप एक संरचना बनाओगे तो सिंगल बॉन्ड ही आएगा, इसलिए हमारा संतृप्त होगा, सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त होगा, और हमारा एथिलीन में डबल बॉन्ड होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एलआई विकर्ण संबंध दर्शाता है, एलआई जो है वो विकर्ण संबंध किसके साथ दर्शाता है? एनए के साथ, के साथ, एएल के साथ, या एमजी के साथ? तो एलआई जो है बच्चों, वो विकर्ण संबंध हमारा किसके साथ दर्शाता है? एमजी के साथ। किसके साथ? एमजी के साथ, याद रखना, एमजी के साथ हमारा एलआई जो है, लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, एमजी के साथ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19, और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 19 तक। तो चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 से आप लोगों का बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए, किसके? बायोलॉजी के, जो आपका 7 मार्क्स का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 से आप लोगों के बायोलॉजी के प्रश्न स्टार्ट हो गए, जो आप लोगों के 7 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, याद रखना। तो लिखा हुआ पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है, अगर जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उसमें हमें वायु प्रदूषण कम करना है, तो हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे? श्वसन का, या प्रकाश संश्लेषण का, या वाष्पोत्सर्जन का, या प्रोटीन संश्लेषण? देखो श्वसन तो मनुष्यों में होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्सर्जन होता है, जैसे हम लोगों में उत्सर्जन होता है, प्रोटीन संश्लेषण में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में जो है वो वायु प्रदूषण कम कर देता है, क्योंकि यह हमारा प्रकाश संश्लेषण ही है सही ऑप्शन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो स्वपोषी पोषण होते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उनके लिए क्या आवश्यक है?
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है CaO तथा CO2 तथा जल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। वी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश, डी है उपयुक्त में सभी। देखो जो स्वपोषी पोषण होते हैं, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उनके लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल दोनों इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? सारे है ना, तो उपयुक्त में से सभी कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, उपयुक्त में से सभी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका किसके साथ निभाता है? उत्सर्जन के साथ, श्वसन के साथ, पाचन के साथ, वृद्धि के साथ। हीमोग्लोबिन को बताना, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चों, वो हमारा श्वसन के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके साथ? श्वसन के साथ हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ये सारे बायोलॉजी के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि यार अगर आप देख लोगे ना तो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में आने का, हर साल लगभग आते ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इन सारे को तैयार कर लोगे तो फिर आप लोगों का, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं पेपर में, देखो लिखा हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन देख लो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ना, श्वसन में, सही है ना? तो देख लो आपका, ये देखो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा ना क्या दिक्कत है। तो ये हमारा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम होता है वो उत्तरदायी होता है किसके लिए? जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। पादप में जो जाइलम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल का वहन करता है, या भोजन का वहन करता है, या अमीनो अम्ल का वहन करता है, या ऑक्सीजन का वहन। तो जो जाइलम होता है वो जल का वहन करता है। किस चीज का? जल का वहन करता है। ठीक है, जल का वहन। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ठीक है, अमीबा में, ईस्ट में, या प्लाज्मोडियम में, या फिर लेस्मीनिया में। आपको ये बताना है जो अलैंगिक जनन होता है वो मुकुलन द्वारा इन चारों में से किस में होता है। तो जो आप लोगों का अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा ईस्ट में होता है, किस में होता है? ईस्ट में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, और याद रखना ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप लोग ये सारा कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 25 देखो, प्राग कोष में होते हैं, जो प्राग कोष होता है उसके अंदर क्या होता है? वाह दल होता है, या अंडाशय होता है, या अंडप होता है, या प्रागकण होता है। तो जो प्राग कोष होते हैं, प्राग कोष के अंदर क्या होता है? प्रागकण होता है। क्या होता है? प्रागकण। तो याद रखना जो हमारा प्राग कोष होता है उसके अंदर प्रागकण होता है, और यही प्रागकण मादा जो है, मादा जननांग यानी कि वर्तिकाग्र पर जाता है, फिर अगला बीज बनता है, फल बनता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, प्रागर क्रिया होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, द्युनिषेचन आप लोगों का पाया जाता है, या द्युनिषेचन किसमें होता है? जंतुओं में होता है, जो जंतु होते हैं, या आवृत बीजी पादप में होता है, या अनावृत बीजी पादप में, या शैवाल में। द्युनिषेचन की प्रक्रिया किस में होती है? जंतुओं में होता है, या आवृत बीजी पादप में, अनावृत बीजी पादप में, या शैवाल में। तो जो हमारा द्युनिषेचन होता है वो आवृत बीजी पादप में होता है। किस में होता है? आवृत बीजी पादप में। याद रखना बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे। 27 है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का इन चारों में से कौन सा भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। ऑप्शन नंबर ए अंडाशय है। अंडाशय जो है मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है, शुक्रवाहिका नहीं है, डिंबवाहिनी को अंडवाहिनी कहा जाता है, ये भी है, लेकिन जो शुक्रवाहिका है ये एक नर जनन तंत्र का भाग है। क्या है? नर जनन तंत्र का भाग है। तो ये आप लोग याद रखना, ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखो, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? मेंडल ने अपना प्रयोग किया था ना, एक संकर संकरण, द्वि संकर संकरण, प्रभाविता का नियम, एंड आप लोगों का पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम, बहुत सारे नियम दे दिए थे। किस पर? पपीते पर दिया था, या आलू पर, या मटर पर, या अंगूर पर? तो बच्चों वो दिए थे मटर पर। किस पर? मटर पर। ठीक है, याद रखना मटर इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 29 नंबर,
समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंग जिनके जो अंग होते हैं वो समजात होते हैं, ठीक है। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। देखो, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, जो हमारा हाथ होता है तथा कुत्ते का जो अग्रपाद होता है, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, जो हमारे दांत होते हैं तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास की भू स्थरी, जो ऊपरी स्थरी होता है, उपयुक्त में सभी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त में से सभी। ये हमारे सारे समजात अंग हैं, सबके जाति समान है, ठीक है, समजात अंग हैं सारे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछ रहा है कि विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे अधिक निकटतम है या निकटवर्ती है, जो विकास के दृष्टिकोण से बताना है कि मानव से सबसे अधिक निकटवर्ती है। तो ऑप्शन नंबर ए है बंदर या चमगादड़ या आपका खरगोश या चिंपैंजी। तो वैसे तो बहुत सारी जगह आपका कुछ भी दिखा रहा होगा, लेकिन हमारा जो सही है, जो बोर्ड एग्जाम आपका सही है, वो हमारा है चिंपैंजी, ठीक है, चिंपैंजी आपका सही है, आई होप। क्योंकि ये देखो, इसका कहीं कहीं दूसरा क्वेश्चन आंसर दे देता है, ठीक है, इसको मैंने देखा है बुक में कहीं अलग दे देता है और आपका विद्या में कहीं अलग दे देता है कहीं, ठीक है। तो अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो वैसे चिंपैंजी होगा, ठीक है, क्या होगा, चिंपैंजी। अगला क्वेश्चन देखो, अब हमारा आ गया बच्चों फिजिक्स के क्वेश्चंस। क्या आ गए, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स। अभी तक हमारे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के खत्म हो चुके हैं, अब हमारे फिजिक्स के देखेंगे, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। 31 नंबर क्वेश्चन, यह किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण है। मतलब अगर आप निकट रखोगे तो आप लोगों का प्रतिबिंब सीधा बनेगा तथा किंतु अगर आप दूर रखोगे तो उल्टा बनेगा, तो प्रतिबिंब आप लोगों का वह दर्पण है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो हमारा क्या होगा, देख लो, आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को तो बताऊंगा ही, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो जल्दी से फटाफट से बता दो, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसका हमारा होगा अवतल दर्पण, कौन सा होगा, अवतल दर्पण, ठीक है, सारे स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, एक ही ऐसी स्थिति है वो कहां रखा है, और सब तो आपका उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन इसमें आभासी तथा सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, वो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच या वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र से पीछे या फिर दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो आप लोग याद रखना, वो हमारा दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में रहता है, ठीक है। लास्ट वाली जो हमारा 6 नंबर स्थिति है अवतल दर्पण की, वही वाला है। अब लास्ट वाला आप लोग जानते होंगे कहां रखा रहता है, ठीक है। अब आप लोग अगला देखो, 33 नंबर, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, फोकस दूरी की 2 गुनी वक्रता त्रिज्या होती है, हमेशा याद रखना, और आप लोगों का वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, तो 10 का 2 गुना 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा 20 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाओ, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन है। लिखा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, इन चारों में से कौन सा पदार्थ है जिसका हम लोग प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जल का या कांच का या प्लास्टिक का या मिट्टी का। तो जो लेंस बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में से, आई होप कि आपको पता होगा, तो वो हमारा मिट्टी है, क्योंकि देखो ये हमारा पारदर्शी नहीं होता है, जिससे हम लोग आर पार नहीं देख सकते, और जब तक आप लेंस के द्वारा आर पार ना देख सको तो वो कौन सा लेंस है। जैसे चश्मे में लेंस का प्रयोग किया जाता है, अब चश्मे में लेंस का प्रयोग किया जाता है तो वो आर पार दिखाई देता है ना, तो वो हमारा मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसलिए हमारा ये लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। 35 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो जल कांच, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रकाश की चाल होगी 1.5 को 3 से भाग दे दो, ये मतलब ये 1.5, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, 2×10⁸, 2
2 × 10⁸ m/s, ये हमारा सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 का डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 2 × 10⁸ m/s करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखो, निम्न में से दिए गए माध्यमों में से प्रकाश की चाल जो है वो अधिकतम होगा, न्यूनतम नहीं अधिकतम याद रखना, ठीक है, अधिकतम होगा हीरा में, जल में, कांच में, या कैरोसिन में। तो प्रकाश की चाल जो सबसे ज्यादा कठोर है उसमें होगा, तो ये हमारा हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं आपको पेपर में दिखाऊं तो ये देख लो पेपर में कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है जल में, हीरा में, कांच में, टेरोसिन में, ठीक है, टारपिन की तेल में। तो आपको क्या करना है, हीरा में। ठीक है, तो बच्चों देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर करा दे रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 37, सामान्य स्वस्थ आंख के लिए आपका दूरबीन होता है, जो सामान्य स्वस्थ आंख होता है उसके लिए आपका दूरबीन होगा। ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, वी है आपका 50 सेंटीमीटर, सी है 100 सेंटीमीटर, या डी है इनफाइनाइट यानी कि अनंत। तो दूरबिंदु क्या होगा, अगर आपका आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो आप बहुत दूर तक देख सकते हो, जहां तक आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आपका इनफाइनाइट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पुतली द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा, पश्चमावि द्वारा, परिताड़िका द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो किसके द्वारा, अभिनेत्र लेंस की बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पश्चमावि द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर या अनंत। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बच्चों, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो मैं आपको बता दूं अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, एक अस्पष्ट दृष्टि की सबसे न्यूनतम दूरी, और सबसे दूर दूरी होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखो, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, जो चंद्रमा से देखने पर आकाश किस रंग का दिखाई देता है, बैंगनी रंग या नीला रंग या काला रंग या सफेद रंग, जो चंद्रमा से देखने पर आकाश किस कलर का दिखाई देता है, आकाश, ठीक है, चंद्रमा से अगर आप आकाश को देखोगे तो किस कलर का दिखाई देगा, आपको यह बताना है। ठीक है, तो अगर आप चंद्रमा से आकाश को देखोगे तो काला रंग का दिखाई देगा, किस रंग का, काला रंग का। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए है कूलाम, वी है एम्पियर, सी है जूल, या डी है ओम। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो बच्चों जो विद्युत धारा होता है उसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर। अब विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक अभी आगे पता चल जाएगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ूंगी नहीं, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखो, एक बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, इसके तुल्य प्रतिरोध होगा। देखो आप लोग फार्मूला याद कर लेना, उसी से आपका ये लग जाएगा। ठीक है, 484 ओम होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा, जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं सारा क्लियर करा दूंगा एक वीडियो में। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, या ओम प्रति मीटर, या ओम मीटर, या मीटर प्रति ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक तो वो होता है ओम। क्या होता है, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, आप लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखो, 44, कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, 726 वाट या 736 वाट या 746 वाट या फिर 756 वाट। एक अश्व शक्ति, जैसे एक घोड़े की जो शक्ति होती है वो किसके बराबर होती है, अश्व शक्ति इक्वल टू एक हॉर्स की शक्ति। ठीक है, तो वो हमारा है हॉर्स पावर, तो वो हमारा है 746 वाट। ठीक है, 746 वाट। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, उसमें जो धारा का प्रवाह होगा बच्चों वो हमारा इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को द्वारा हमारा धारा का प्रवाह होता है, ये याद रखना। ठीक है, और 46 नंबर क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, एक गतिमान आवेशित कण क्या उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र या केवल विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र, दोनों में से कोई नहीं। तो एक जो गतिमान आवेशित कण है वो क्या उत्पन्न करता है,
तो जो गतिमान आवेशित कण होता है वो हमारा क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों। अगर आप उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अगर विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यानी कि हमारा दोनों सही हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, जनित्र है या गैल्वेनोमीटर या एमीटर या मोटर। तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है इन चारों में से वो कौन सा है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है वो हमारा वैद्युत जनित्र है। क्या है, वैद्युत जनित्र, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। डायनमो उत्पन्न करता है, डायनमो क्या उत्पन्न करता है, आवेश, विद्युत वाहक बल, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र। डायनमो बताना है, डायनमो क्या उत्पन्न करता है, डायनमो जो हमारा है वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, विद्युत वाहक बल। क्वेश्चन नंबर 48 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रति परावैगनी किरणों की पृथ्वी को आने से रोकती है, जो परावैगनी किरण होता है उसको पृथ्वी पर आने को रोकती है, क्लोरीन परत, ओजोन परत, ऑक्सीजन का परत या हाइड्रोजन परत। तो ये तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ओजोन परत। क्या है, ओजोन परत जो हमारी रक्षा करती है परावैगनी किरणों को आने से रोकती है। कोलीफॉर्म समूह है, कोलीफॉर्म जो है वो समूह है वो किसका है, जीवाणुओं का है। किसका, जीवाणुओं का, ठीक है। तो ये सबसे पहला प्रश्न, देखो ये आप लोग पहला प्रश्न ध्यान से देखना क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय प्रश्न में बहुत ज्यादा आया हुआ है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि ऊष्माक्षेपी जिसे दहन कहा जाता है, दहन का मतलब होता है जलना, ठीक है, जलाना, तो वही ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है। तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए, ठीक है, उदाहरण देकर अच्छे से समझाना है तो फिर आप लोगों को पता होगा। देखो ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है दहन, ठीक है, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, दहन। तो इसकी देखो, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जैसे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपका उत्पाद का निर्माण होता है, जैसे आपका अभिकारक होता है, दो अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ किसका, आप लोगों का ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा का भी निर्माण होता है, तो उन्हें हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। तो ऊष्माक्षेपी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ आपका ऊष्मा का भी निर्माण होता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर एग्जांपल देखा जाए, मैं आपको एक बहुत सरल सा एग्जांपल बताता हूं कि आप लोगों को हमेशा याद रहे। देखो जैसे हमारा है आपका एक मेथेन, ठीक है, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 ना, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं। मेथेन हमारा गैस की अवस्था में है, प्लस हमारा आपको ऑक्सीजन 2O2 जो भी गैस की अवस्था में, ठीक है, गिव्स आउट आपको मिलेगा CO2, क्या मिलेगा, CO2 प्लस 2H2O, ये सारे गैस की अवस्था में, प्लस ऊष्मा। ऊष्मा मैंने प्लस क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि ऊष्मा हमारा बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो ऊष्मा बाहर निकल रहा है इसलिए मैंने ऊष्मा को प्लस लगा दिया, और यहां हमारा पानी निकल रहा है और यहां आपका कार्बन डाइऑक्साइड। देखो प्लस ऊष्मा का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का बाहर निकलना, ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ मेथेन और प्लस ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड तथा आपका जल बनाया और प्लस ऊष्मा आपका बाहर निकल गया, ठीक है, समझ में आ गया ना ये एग्जांपल। काफी आसान है, कुछ भी नहीं है, इससे आसान मैं आपको ये भी एग्जांपल बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब होता है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा, जो आपका ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, अवशोषित होने का मतलब होता है कि अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जांपल अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे, N2 में अगर आप N2 में प्लस O2 जोड़ दो ना, मतलब नाइट्रोजन में प्लस ऑक्सीजन जोड़ दो, तो हमारा क्या बन जाएगा, 2NO, क्या बन जाएगा, 2NO, और यहां हमारा एक और चीज है, इसमें हमारा माइनस ऊष्मा होगा, क्योंकि इसमें माइनस ऊष्मा इसलिए होगा क्योंकि इसमें हमारा ऊष्मा अवशोषित हो रहा है। अगर ऊष्मा अवशोषित हो रहा है ना, तो वो हमारा माइनस ऊष्मा का चिन्ह लगेगा, और अगर ऊष्मा बाहर निकल रहा है तो वहां हमारा ये प्लस ऊष्मा का चिन्ह लगेगा, क्या लगेगा, प्लस ऊष्मा। इतना ध्यान रखना क्योंकि इतना जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हमारा ये हो गया ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड कि बेकिंग पाउडर, जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है ना, बेकिंग पाउडर या फिर खाने का सोडा,
का रासायनिक नाम एवं अणु सूत्र क्या है और रासायनिक गुण भौतिक गुण उपयोग सब कुछ बताना है, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेकिंग पाउडर का सबसे पहले रासायनिक नाम और इसका अणु सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा, बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। बेकिंग पाउडर, ठीक है, का रासायनिक नाम सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, रासायनिक नाम। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चों, सारे बच्चों को पता है कि नहीं पता है, बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। एंड इसका आप सूत्र बता दो तथा अणु सूत्र तो अब आपको पता ही चल ही गया होगा, अगर अणु सूत्र ना पता चला हो तो मैं आपको बताता हूं कैसे निकालोगे। देखो सोडियम का क्या होता है, सोडियम का फार्मूला क्या होता है, Na, तो Na लिख देना, ठीक है, मैं देखो Na दूसरे से लिखता हूं, Na, और बाई का मतलब होता है कि H लगाना, हाइड्रोजन, और कार्बोनेट का फार्मूला CO3, बस हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसका सूत्र हमारा होता है NaHCO3, क्या होता है, NaHCO3। अगला देखो बनाने की विधि देख लो, बनाने की विधि, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, यह जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला बता सकते हो इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सारे बच्चों को पता होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। कहने का मतलब है यहां अगर आप देखो ध्यान से समझना, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो NaOH, ठीक है, ठीक है, इसमें हमें क्या प्रवाहित करना है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, तो यहां मिलेगा Na2 यानी कि दो हो गया, तो यहां आप दो लगा दो, ठीक है, Na2 NCO3 और प्लस H2O, लेकिन अभी हमें सोडियम कार्बोनेट मिला है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, ठीक है, अभी केवल सोडियम कार्बोनेट मिला है। तो अब हम लोग एक बार और रिएक्शन कराएंगे, Na2CO3 प्लस H2O एंड प्लस हम लोग CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, तो गिव्स आउट हमें मिलेगा कुल मिला के 2NaHCO3, ठीक है, और ये हमारा क्या है, सभी बच्चों को पता होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, यही तो हमारा बन गया ना, बनाने की विधि यही है, रिएक्शन आप कराओ अगर आपको वो चीज मिल जाए, जैसे हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया तो फिर हमारा ये रिएक्शन पूरा हो गया, ठीक है, ये दो हैंडल यानी कि दो चरणों में रिएक्शन है। भौतिक गुण समझ लो, भौतिक गुण फर्स्ट, यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, क्या है, यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, कौन, जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। सेकंड, यह जल में अल्पविलीय है, जो हमारा ये है ना, ये जल में अल्पविलीय है, जो हमारा बेकिंग पाउडर है वो जल में अल्पविलीय है। और थर्ड है, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, देखो इसमें H है ना, हाइड्रोजन आयन, इसलिए हमारा जो इसका जलीय विलयन होगा वो अम्लीय होगा, क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। तो इसके भौतिक गुण तीनों समझ में आ गया, देखो मैं आपको बहुत मेन मेन बता रहा हूं, ऐसे ही लिख कर आना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब आप लोग रासायनिक गुण समझ लो, रासायनिक गुण में क्या है, पहला इसको गर्म करने पर CO2 गैस निकलता है, क्या निकलता है, जब आप इसको गर्म करोगे तो CO2 गैस निकलेगा, ठीक है, जब आप इसको गर्म करोगे तो क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा, कैसे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे आपका है, इसको आप लोग गर्म करोगे, ठीक है, तो इसको अगर आप लोग गर्म करोगे, जैसे हम लोग इसको गर्म करते हैं 2NaHCO3, अब इसको आप हीट करोगे यानी कि गर्म करोगे, ठीक है, तो गर्म करने पर डेल्टा का चिन्ह लगा दिया, तो हमें Na2NCO3 और प्लस H2O और प्लस हमें CO2 गैस आपका बाहर निकलेगा, बस यही आपका हो गया रिएक्शन, बस छोटा होता है, कुछ होता नहीं है, रिएक्शन बस हो गया। दूसरा है, यह तनु अम्ल के साथ क्रिया करके लवण जल तथा CO2 गैस बनाता है, ठीक है, यह जब तनु अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाएगा, जल बनाएगा तथा CO2 गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। अब इसका हम लोग तनु अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, जैसे NaHCO3, ठीक है,
और प्लस हमारा HCl, HCl हमारा एक तनु अम्ल है, ठीक है, इसका क्रिया कराया तो हमारा NaCl बना, NaCl क्या है, लवण है, तो लवण बन गया, जल आपका H2O जल बन गया, और प्लस हमारा CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, बस हो गया रिएक्शन, बस इतना होता है, कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा आप लोगों का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमारा है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेकिंग पाउडर के भौतिक गुण, रासायनिक गुण एंड आप लोगों का बनाने की विधि, अणुसूत्र, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखो, यहां लिखा हुआ है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो साबुनीकरण होता है, साबुनीकरण पर आपको अच्छे से टिप्पणी लिखना है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, उच्च अणुभार वाले, जो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है, ठीक है, जिसका अणुभार उच्च होता है, तो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, और ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं, और इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी क्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, ठीक है, साबुनीकरण, बस इतना सा आपको समझना है। अब देखो इसका जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड भी है। देखो साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया या फिर साबुनीकरण, तो रिएक्शन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं ताकि आप लोगों का रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट रहे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वसा या ट्राइसेट्रिन, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है CH2, ठीक है, OCO C17H35, ध्यान से समझना, अभी हमारे तीन चरणों में होगा, फिर ये कार्बन के नीचे एक बांड लगाओ, फिर CHOCO C17H35, ठीक है, फिर एक ऐसे, ठीक है, कार्बन कार्बन के नीचे लगाना, फिर CH2 जो ऊपर लिखा हुआ है सेम ऐसा ही लिख देना, OCO C17H35, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें लेना है 3NaOH, ठीक है, 3NaOH, फिर आपको गिव्स आउट मिलेगा क्या, ठीक है, गिव्स आउट हमें मिलेगा, ध्यान से समझो, यहां में मिलेगा, यहां से CH2 ले लो CH2, और यहां से एक OH ले लो, या फिर अगर आपको ग्लिसराल का फार्मूला पता हो तो फिर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो CH फिर एक OH, ठीक है, यहां आपके तीन OH हैं, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब आप लोगों का लास्ट में साबुन मिलेगा 3C17H35 COO COONA, यही हमारा साबुन का फार्मूला है, ठीक है, सारे का नाम नहीं पता होगा आप लोगों को। देखो ये हमारा है ट्राइस्टेरिन, ठीक है, या फिर वसा, ठीक है, ट्राइस्टेरिन, या फिर इससे आप लोग वसा लिख सकते हो। ये हमारा हाइड्रोजन, जो आप लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आप लोगों का ग्लिसराल है, क्या है, ग्लिसराल, ठीक है, और ये हमारा है साबुन, ठीक है, ये ग्लिसराल लिख देना, यहां सा कर देना, ठीक है, ग्लिसराल। तो ये हमारा हो गया पूरा साबुन बनाने की विधि, जो साबुनीकरण है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, याद रखना, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही बता रहा हूं। आप समझो बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पूछा है धमनी तथा सिरा में चार चार मुख्य अंतर लिखो। धमनी तथा सिरा में आपके बोर्ड एग्जाम में अंतर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, रुधिर तथा लसिका में, धमनी तथा सिरा में, ये दो अंतर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल देना धमनी, क्या हेडिंग डालोगे, धमनी, और इस साइड में सिरा, इसके लिए ज्यादा से अंडरलाइन करना। पहला धमनी में है, इसमें रुधिर हृदय से अंगी की ओर बहता है, ठीक है, हृदय से अंगों की ओर, ठीक है, जो धमनी होता है इसमें रुधिर जो होता है हृदय से अंगों की ओर बहता है, याद रखना, ठीक है। सिरा में इसमें जो रुधिर होता है अंगों से हृदय की ओर बहता है, जो अंग होते हैं अंग से हृदय की ओर बहता है, ठीक है। दूसरा देखो हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है, जो हृदय की धड़कन होता है ना, हृदय में धक धक का आवाज आता है, तो हृदय में धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है, और इसमें रुधिर में जो आपका सिराओं में रुधिर बहाव की गति के कारण धीमी धीमी सी रहती है, ठीक है। तो जो सिरा होता है सिराओं में जो रुधिर होता है रुधिर के बहाव की गति धीमी धीमी एक सी होती है, एक समान होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझो, यहां
कि इनकी जो दीवारें होती हैं अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं, जो धमनी होता है इनकी जो दीवारें होती हैं वो अत्यधिक मोटी होती हैं तथा लचीली होती हैं, और जिस सिरा होता है इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। जो सिराएं होती हैं इनकी दीवारें क्या होती हैं, पतली होती हैं तथा कम लचीली होती हैं, ठीक है। और अगला फोर नंबर पॉइंट, ठीक है, तो धमनी जो होता है, धमनी इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है, ठीक है, गुलाबी होता है या फिर चटक लाल होता है। जो सिरा होता है ये गहरे लाल या नीले बैगनी रंग का होता है, ठीक है, गहरे लाल या फिर नीले बैगनी रंग का होता है, ठीक है, कौन, जो हमारा सिरा है। और पांचवा पॉइंट है ये पराया त्वचा से दूर गहराई में स्थित होते हैं, जो धमनी होता है वो पराया त्वचा से दूर गहराई में स्थित होता है, और जो सिरा होता है यह पराया त्वचा के समीप स्थित होता है। कहां स्थित होता है, त्वचा के समीप, जब आप देखोगे ना तो ऐसे बैगनी रंग का ऐसे हाथ में दिखेगा, ठीक है, आप लोग देख लेना। तो वो हमारा हो गया, जो आप लोगों का ये पांच पांच अंतर आपका धमनी तथा सिरा में, ये पांच पांच अंतर भैया पढ़ लेना, फिर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका धमनी तथा सिरा में अंतर आएगा ये ऐसे लिख कर आना, बहुत आसान वे में आसान तरीके से बताया हूं कि आप लोगों को एक ही बार दो बार पढ़ो ना तो पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फाइव नंबर कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। जो परिवार नियोजन होता है उससे आप क्या समझते हो, छोटे परिवार के महत्व को समझाना है, ठीक है। तो परिवार कल्याण, देखो परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाता है, ठीक है। जब घर में ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, मतलब दो दो हो तीन हो ऐसे करके, मतलब परिवार को नियोजित रखो, ज्यादा जनसंख्या ना हो, ज्यादा बच्चे ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो उनके रहन सहन के लिए भी तो जरूरी है, खर्चा भी तो चाहिए। यदि बच्चों में परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी तथा जीवन उसका अच्छा रहन सहन होगा। अगर उसमें बच्चों की संख्या सीमित होगी तो उनका रहन सहन अच्छा होगा, उनकी जो परिवार होंगे वो सुखी होंगे, ठीक है। तो ये हो गया परिवार नियोजन, छोटा सा मैं बता रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों के लिए इतना बहुत है। सिक्स नंबर है कि समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। जो समजात अंग होते हैं तथा समरूप अंग होते हैं, तो समजात अंग सबसे पहले समझो, उन अंगों को जो अलग अलग स्पीसीज के जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं परंतु आधारभूत संरचना में एक समान है, समजात अंग कहलाते हैं। देखो भाई इसमें क्या कह रहा है कि उन अंगों को जो अलग अलग स्पीसीज में जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं, मतलब अलग अलग कार्य करते हैं परंतु आधारभूत संरचना में एक समान समजात अंग होते हैं, मतलब समान होते हैं, एक समान होते हैं, तो उन्हें समजात अंग कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, पक्षी के पंख तथा मनुष्य का हाथ, ठीक है, जो पक्षी का पंख होता है समजात अंग का बता रहा हूं, पक्षी का पंख, ठीक है, पक्षी का पंख, ठीक है, और तथा जो मनुष्य का हाथ है, इन दोनों की तुलना की गई है समजात अंग में, समजात जिनके जाति समान हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके जो एक समान संरचना होता है लेकिन उनके जो कार्य होते हैं वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला देख लो समरूप अंग, ऐसे अंग जो अलग अलग जीवों में एक समान कार्य करते हैं परंतु उनका आधारभूत संरचना समान नहीं होता, समान नहीं होते लेकिन एक जैसा कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें हम लोग समरूप अंग, समरूप का मतलब होता है समान दिखाई देना लेकिन उनका कार्य भिन्न होता है, ठीक है, सामान्य कार्य करते हैं परंतु उनका जो संरचना है वो भिन्न होता है, मतलब उनका संरचना भिन्न होगा। इसका उदाहरण आप लोग क्या लिखोगे, इसका उदाहरण अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत सारे उदाहरण के लिए, तितली के पंख और कबूतर के पंख दोनों उड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है, तो और परंतु कबूतर के पंख में हड्डियां होती हैं तितली के पंख में नहीं होती हैं, तो आप लोग लिख देना जो तितली के पंख है तथा कबूतर के पंख, ठीक है, यहां लिख दो तितली के पंख तथा कबूतर के पंख, ठीक है, एक समान एक जैसा ना, मतलब देखो कार्य एक समान है परंतु उनकी आधारभूत संरचना सामान्य, मतलब उनकी जो संरचना सामान्य है, तितली के पंख में हड्डी नहीं होता, कबूतर के पंख में हड्डी होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया समजात तथा समरूप अंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो जो मैं आपको बता रहा हूं वो सारे इंपॉर्टेंट ही है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम में हर साल आने वाला टॉपिक, उसका अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम लोग किस चीज का बात करने वाले हैं, ओम का नियम, किसका, ओम का नियम अब हम लोग समझेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम, ठीक है। कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो
ओम का नियम क्या है इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। मैं आपको परिपथ आरेख खींचकर समझाऊंगा। सबसे पहले ओम का नियम समझ लो। ओम के नियमानुसार जब भौतिक जब आप लोगों का यहां थोड़ा सा ओम के नियमानुसार जब हमारा मतलब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब समान हो, ठीक है, जैसे भौतिक अवस्थाएं हमारा ताप दाब होता है वो समान हो, परंतु ठीक है समान हो तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। बहुत ज्यादा आसान है, दो लाइन का। ओम के नियम अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है जो विभवांतर होगा वो समानुपाती होगा धारा का, किसके, धारा के, ठीक है, यानी कि या फिर आप लिख सकते हो जो V होगा वो समानुपाती होगा I के, ठीक है। अब आप लोग समानुपाती चिन्ह हटाओगे, एक स्थिरांक जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, स्थिरांक, ठीक है, और इनटू I हो जाएगा, और वो स्थिरांक जो हमारा होता है वो V बराबर R I, V बराबर R इंटू आई होता है, ठीक है, V बराबर R इंटू आई, और यहां जो R है वो क्या है, चालक का प्रतिरोध, क्या है, चालक का प्रतिरोध। अगर हम R बराबर बात करें, R बराबर यानी कि प्रतिरोध बराबर V अपान आई, R बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V अपान आई, ध्यान रखना, ठीक है, R बराबर V अपान आई। अगर हम लोग इसकी मात्रक की बात करें तो क्या कर सकते हो, देखो R का मात्रक हमारा अगर बात करें तो आप लोग R का मात्रक निकालना है, तो प्रतिरोध का मात्रक यानी कि R का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक अगर निकालना है तो V का विभवांतर का मात्रक, V मतलब होता है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक बटे में I का मतलब होता है धारा का मात्रक, धारा का मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। तो एक आप प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर कह सकते हो, या फिर ये दोनों बराबर होता है ओम के, या फिर आप लोग ओम कह सकते हो, ठीक है, दोनों आप लोग मात्रक कह सकते हो, एक वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम, ठीक है, ये हमारा हो गया भैया प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसका सत्यापन मैं आप लोगों को समझा देता हूं, सत्यापन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कराना, क्योंकि ये 7 नंबर में आएगा तो सत्यापन आएगा। देखो ओम के नियम का सत्यापन, इस प्रयोग के लिए एक बैटरी, अमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्टमीटर चित्र ए के अनुसार लगाते हैं। चित्र ए देखो, ये हमारा चित्र ए है, ये हमारा चित्र बी है, ठीक है, तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई अमीटर से तथा प्रतिरोध में सिरों के बीच विभवांतर वी वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। यहां बैटरी लगा हुआ है, ये धारा नियंत्रक है, ये हमारा कुंजी है, ये अमीटर है, ये प्रतिरोध है, ठीक है, और अभी हमारा ये वोल्टमीटर, नीचे मैं लिख देता हूं, ये हमारा जो वी है ये वोल्टमीटर है, क्या है, वोल्टमीटर, ठीक है, ये वाला चित्र भी आगे काम आएगा। यहां प्रयोग करने के लिए कुंजी के को लगाकर धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा जो है बदलकर एमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ पढ़ लेते हैं, ठीक है, और अब विभवांतर को एक्स अक्ष तथा धारा को वाई अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। विभवांतर को ये हमारा एक्स अक्ष है और धारा को वाई अक्ष, दो अच्छे ना, एक्स अच्छा और वाई अच्छा, ठीक है, इसको लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। यदि यह सरल रेखा आता है तो चित्र वी में चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा सरल रेखीय ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात चालक ओम के नियम का पालन करता है। सरल रेखा देखो, ये सरल रेखा है ना, ये बीच में, तो इसलिए हमारा ये ओम का नियम का पालन करता है। बस इतना सा आपको पढ़ना है ओम के नियम में और इनका सत्यापन, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखो, इसमें पूछ रहा है कि धातुओं की सक्रियता सरणी क्या है। जो धातुएं होती हैं, धातुएं की जो सक्रियता सरणी आप लोगों ने पढ़ा होगा वो क्या होता है, और हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। अब भाई जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो अधिक सक्रिय होंगे, जो हाइड्रोजन के नीचे है वो कम सक्रिय होंगे, तो एक एक नहीं आप दो दो तीन तीन चार चार नाम लिख सकते हो अभी जब मैं आपको समझाऊंगा। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो अनुप्रयोग लिखिए, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उनके कोई दो अनुप्रयोग लिखना है, ठीक है, तो यहां आप लोग देखो, पहला आप आंसर समझो,
कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो होता है, जो धातुओं की एक सक्रियता श्रेणी जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है, वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें जो धातुएं होती हैं धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, जिसे हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यह आपका है सक्रियता श्रेणी और यह अवरोही क्रम में होता है। सबसे ऊपर जो होगा वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम अभिक्रियाशील होगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूं सक्रियता श्रेणी ये है। सबसे पहले एक एक को समझो, सबसे पहले हमारा पोटेशियम है यानी कि के है पोटेशियम, दूसरा हमारा सोडियम है, ठीक है, दूसरा सोडियम है, तीसरा कैल्शियम है, एमजी मैग्नीशियम है, एल एल्यूमिनियम है, जेड एन जिंक है, एफ ई आपका आयरन है, पी बी आपका लेड है, एच जो है वो हाइड्रोजन है, सी यू से कॉपर है, एच जी से मरकरी है, ए जी से सिल्वर है, ए यू से गोल्ड है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले आप समझो ये आपका घटते क्रम में सबसे ऊपर जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, फिर ये घटती अभिक्रियाशीलता आई है, नीचे जितनी आओगी घटती अभिक्रियाशीलता चली जाएगी, ठीक है, और जो सबसे कम अभिक्रियाशील है वो सबसे नीचे, सबसे कम अभिक्रियाशीलता है जो सबसे नीचे है, ठीक है। मतलब अब आपको मैं यहां समझा देता हूं, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, इस पर सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन होता है। अब अम्ल में से ये जो आपके Cu है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये हाइड्रोजन के नीचे है। अब ये कम अभिक्रियाशील है, जैसे उसने पूछा था कि आपका हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तथा दूसरा कम क्रियाशील धातु का नाम लिखिए, तो ये जो है नीचे ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है और जितने भी ऊपर हैं ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, तो फिर ये आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये आपकी एक सक्रियता श्रेणी है जो आपको तैयार कर लेना है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से आपको तैयार ही तैयार कर लेना है। अब हम लोग इसका अनुप्रयोग देखेंगे, जो हमारा सक्रियता श्रेणी है या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसका अनुप्रयोग देखेंगे, ठीक है। अनुप्रयोग समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को समझना है, ठीक है, तो अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट, सबसे पहले जो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है इसकी सहायता से हम बता सकते हैं, अगर आपसे कोई भी पूछ ले एक क्वेश्चन, ठीक है, मैं आप लोगों से पूछता हूं, जैसे यहां मैंने ले लिया Al एल्यूमिनियम, ठीक है, K पोटेशियम एंड Mg मैग्नीशियम, अब इसमें बताओ सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, कौन है, पोटेशियम है ना, के, क्योंकि ये सबसे ऊपर स्थित है तो ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो ऐसे आप पता लगा सकते हो अनुप्रयोग के अकॉर्डिंग। ये बता रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है, और सेकेंड नंबर जो स्टेप है वो है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं के द्वारा अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी होती है। जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन नहीं विस्थापित कर पाएंगे, जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन को आसानी से विस्थापित कर लेंगे। तो फिर ये हैं दोनों अनुप्रयोग जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। आपने देखा होगा 10-15 बार आप बोर्ड एग्जाम में जब भी पेपर उठाए होंगे तो आप देखे होंगे समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो आप लोग समझो समजातीय श्रेणी क्या होता है, उदाहरण भी समझाऊंगा, उनके कुछ लक्षण हैं वो भी समझाऊंगा, सारी चीजें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे समजातीय श्रेणी के बारे में। तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान सूत्र, जो सामान सूत्र होता है, ठीक है, जिनका सामान सूत्र एवं क्रियात्मक समूह, जो क्रियात्मक समूह होता है सामान सूत्र एक जैसा हो, कैसा हो, एक जैसा हो, ठीक है। मतलब हमारा ये है कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना, मतलब कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत ये आते हैं, तो वह समूह जिनका जो सामान्य सूत्र होता है और क्रियात्मक समूह अगर एक जैसा होता है तो उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं।
तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समजातीय सरणी कहते हैं, तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहा जाता है, तथा जो उनके सदस्य होते हैं उनको हम लोग समजात गण कहते हैं। ठीक है, उनके जो सदस्य होंगे उनको हम लोग समजात गण कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे एक ही मतलब क्रियात्मक समूह के मैं लेता हूँ, ठीक है, एक ही क्रियात्मक समूह का हमें लेना है, तो जैसे हमारा मेथेनॉल है, ठीक है, समझना थोड़ा सा, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल में अगर मैं देखूं तो इसका सूत्र होता है CH3OH, ठीक है, ये हो गया मेथेनॉल। अब अगर आपने एक क्रियात्मक समूह लिया OH, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, OH, तो अगर OH लिया है तो अब इसी से जुड़ा हुआ सभी को लेना पड़ेगा। अगर आपने एग्जांपल लिखा OH समूह से तो आपको OH समूह ही लेना पड़ेगा, एक ही क्रियात्मक समूह। जैसे आपने मेथेनॉल लिया तो फिर आप लोग अब एथेनॉल ले लो, ठीक है, मैंने यही आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर आपने एल्केन समूह का लिखा है तो एल्केन समूह का ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ आप लोग लो CH3CH2OH, ये हमारा एथेनॉल हो गया। अब आपको लेना है प्रोपेनॉल, ठीक है। जैसे भाई मैंने ये बताया है कि आपका सारा जैसे एज ए आप लिख सकते हो बहुत सारा, ठीक है। अब अगर आपने इसमें एल्केन समूह लिया तो एल्केन का ले लो, एल्कीन का लिया तो एल्कीन का, सारा एक जैसा होना चाहिए, एक ही समूह का, तभी आपका सही रहेगा। एग्जांपल CH3CH2CH2OH, ये हमारा हो गया स्टूडेंट एग्जाम्पल, ठीक है। बस इतना सा आप याद कर लो, एग्जाम्पल में क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब समझातीय श्रेणी के लक्षण समझ लो, इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्न लक्षण है, पहला ए वाला, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं कर सकते हैं। जो मतलब समजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सभी सदस्यों का एक ही सूत्र होना चाहिए, ठीक है। जैसा इसमें OH समूह है तो एक ही समूह है, ठीक है। एंड दूसरा हमारा है, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होना चाहिए। जैसे यहाँ क्रियात्मक समूह है OH, तो सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह है। अगर मैंने इसको एग्जांपल लिया है तो इसमें सारे सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। सी वाला है कि प्रत्येक कर्मागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर मतलब है, जैसे आपने मेथेन आ जाओ मतलब एल्केन समूह में, मैंने लिया मेथेन CH4 मेथेन, अब एथेन का होगा C2H6। अब इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है, समझो इनमें आपका H ज़्यादा, C एक ज़्यादा है, H दो ज़्यादा है, तो CH2 ज़्यादा है ना, तो CH2 का दोनों में अंतर है, तो ये हमारा आपका समजातीय श्रेणी है, ठीक है, इतना समझना था। दी है किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म पता लगा सकते हैं। मान लो ये एल्केन समूह का है, अब एल्केन समूह के कुछ कॉमन गुणधर्म होंगे जो सभी में होंगे, तो वही चीज़ बता रहा है। जैसे हमने इसमें लिया सारा एल्कोहल समूह का OH समूह का, तो फिर OH समूह के कुछ कॉमन गुणधर्म हैं जो सभी में होते हैं, जितने भी OH समूह होते हैं, तो फिर वही चीज़ यहां बता रहा है कि एक सदस्य के आधार पर कुछ हम लोग सामान्य गुणधर्म का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है समजातीय श्रेणी, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बिल्कुल तैयार ही तैयार कर लेने हैं। तो आई होप कि आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे फोर नंबर क्वेश्चन। बायोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है, बायोलॉजी का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो अनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए, जो अनुवांशिकता का नियम होता है, मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम दिया था, उसकी विवेचना करनी है। तो मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे जो प्रभाविता का नियम है, ठीक है, इनके तीन नियम थे, एक प्रभाविता का नियम, एक पृथक्करण का नियम, एक स्वतंत्र अभिमन का नियम। तीनों नियम को हम लोग देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग प्रभाविता का नियम समझेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग भी पूछता है और एक में आपका लॉन्ग में भी आता है एक साथ। तो सबसे पहले हम लोग प्रभाविता का नियम समझना, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान तरीके से लिखा है। जैसे जब प्रभावी लक्षण, दो टाइप के लक्षण होते हैं, एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी लक्षण होता है। तो जब प्रभावी लक्षण का जीन, जो प्रभावी लक्षण के जीन होते हैं तथा अप्रभावी लक्षण का जीन साथ में उपस्थित हो, मतलब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों जीन साथ में उपस्थित हो, तो प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी वाला नहीं। अगर आपका प्रभावी लक्षण है लंबा और अप्रभावी लक्षण है बौना, तो अगर लंबा पौधा और बौना पौधा साथ में उपस्थित है तो फिर आपका लंबा पौधा ही अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, वो है आपका प्रभाविता का नियम। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे यह हमारा है प्रभावी और ये हमारा है अप्रभावी,
प्रभावी और अप्रभावी, ठीक है, दोनों को समझो। सबसे पहले मैंने प्रभावी लिया, कैपिटल टी, कैपिटल टी ये हमारा है बिल्कुल लंबा, शुद्ध लंबा, और ये हमारा शुद्ध बौना है, स्मॉल टी, स्मॉल टी मैं नाम भी लिख देता हूँ, ये हमारा है लंबा, ठीक है, लंबा हमारा क्या है प्रभावी है, और बौना हमारा अप्रभावी है, बौना क्या है बच्चों अप्रभावी है। अब लंबा और बौना, अब इसमें से एक जीन यहाँ आएगा, मतलब दोनों एक साथ में एक एक जीन लेंगे, ठीक है, इसमें से एक कैपिटल टी आ गया, इसमें से एक स्मॉल टी आ गया। अब देखो इसमें ये संकरण हुआ है, संकरण होने के बाद हमें जो मिला है ये कैपिटल टी आगे है, तो ये हमें लंबा पौधा मिला है, तो अब आप लोगों का लंबा और ये आप लोगों का प्रभावी है, तो यहाँ अगर आप देख सकते हो ये प्रभावी लक्षण का जीन है या अप्रभावी लक्षण का जीन, दोनों साथ में उपस्थित हैं, इनका संकरण हुआ तो हमें लंबा पौधा ही प्राप्त हुआ, यानी कि प्रभावी लक्षण ही प्राप्त हुआ, तो वही चीज मैं आपको समझा रहा था, अप्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। दूसरा आपका है नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में यह समझना है कि कारक युग्मक बनते समय, जो कारक होते हैं कारक युग्मक बनते समय आधा आधा या फिर आधे आधे पृथक होकर युग्मक, जो आपका देखो कारक युग्मक बनते समय आधा आधे पृथक होकर युग्मक में चला जाता है, ठीक है, अगर कारक जो है युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो जाते हैं और युग्मक में चला जाता है, जिसे हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं पृथक्करण का नियम, ठीक है। तो इसमें यही बताना है कि कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चला जाता है, जिसे हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आधा आधा पृथक कैसे होगा, जैसे मैं आपको समझा देता हूं, ये हमारा लंबा पौधा है, ये हमारा बौना पौधा है, लंबा और बौना, ठीक है, लंबे और बौने में हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपका लंबे में कैपिटल टी होगा दोनों, ठीक है, और बौने में जो होगा वो होगा स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है। अब ये आप लोगों का जो है, ये आप लोगों का है कारक, ये क्या है स्टूडेंट कारक, ठीक है, कारक है, एंड यहां आप लोग देखो ये आपका युग्मक बनना है, ठीक है, तो युग्मक बनते समय ये आधे आधे पृथक हो जाते हैं, आधा आधा पृथक होने का मतलब है ये आपका कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, ठीक है, ये आपका स्मॉल टी है, ये आपका स्मॉल टी है, बस हो गया। तो ये आपका है कारक और ये है आपका युग्मक, कारक और युग्मक, तो कारक जो है युग्मक बनते समय आधा आधा पृथक हो गया, बस ये आपको दूसरे नियम में यही इतना समझना है। अब हम लोग देखेंगे मेंडल का तीसरा नियम, मेंडल का तीसरा नियम जो है वो है स्वतंत्र अभिहिमन का नियम। स्वतंत्र अभिहिमन के नियम में आपको यह समझना है कि जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर, दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षण के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं, जो दोनों लक्षण के जीन है वो स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। अब इसमें आप लोग दो दो लक्षण लेंगे, जैसे यहां आपका गोल है, गोल का आपका, और यहाँ आप लोगों का झुर्रीदार, देखो गोल और पीला ये दोनों प्रभावी हैं, और झुर्रीदार और हरा ये हमारा दोनों अप्रभावी है, झुर्रीदार और हरा, ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी समझ में आया। यहाँ गोल का होगा राउंड आर आर, और एलो का मतलब पीला का वाई वाई एलो, अब इसका इस्तेमाल लिख दो सारे का, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, देखो आपका कैपिटल जो होगा वो प्रभावी वाला होगा, अगर स्मॉल है तो वो हमारा अप्रभावी है, ठीक है। इसमें से दो दो आप बाहर कर लो, जैसे एक हमारा है आपका कैपिटल आर और एक है कैपिटल वाई, ठीक है, बाहर करना है, और यहाँ हमें वही करना है, एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई, ठीक है, दोनों में से अलग हो जाएगा। अब ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगी, और यहाँ क्या बनाएगा, यहाँ हमारा बनाएगा एक है कैपिटल आर तो इसके साथ स्मॉल आर करो, एक है कैपिटल वाई तो इसके साथ स्मॉल वाई करो, ये हमारा है गोल और पीला, देखो यहाँ भी आपका प्रभावी वाला ही लक्षण प्रदर्शित किया, गोल पीला, तो मतलब ये हो गया हमारा मेंडल के तीनों नियम। मेंडल का जो तीनों नियम है वो यही इतना है, ठीक है, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन आप लोगों को याद भी होगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसमें हम लोग देखेंगे विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर पूरा विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचना है, इसका सिद्धांत भी बताना है, क्रिया विधि भी बताना है, ठीक है, और विद्युत मोटर में विभक्त वाले का क्या महत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्युत मोटर होता क्या है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है, जो हमारा विद्युत मोटर है एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। ये क्या करता है, विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इतना समझ में आया। फिर सिद्धांत देखो, सिद्धांत जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, जो कोई कुंडली है उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, उसमें क्या है धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। तो जो कुंडली होता है उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है, ठीक है। सिद्धांत में छोटा सा लिखना यही कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कोई भी कुंडली उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करेगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो नाचने लगता है ना विद्युत मोटर, तो वही बल युग्म कार्य करने लगता है। जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है, अगर वो स्वतंत्र है पूरी तरह से तो वो घूमने लगेगी, ठीक है। फिगर मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को बताया था बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाना है आप लोगों के वीडियो के जरिए, तो यहां आप लोग फिगर में थोड़ा सा समझ लो, ये है बैटरी, ये है अर्मेचर, ये हमारा नॉर्थ और साउथ है, ठीक है, ये आपका ए बी सी डी, ठीक है, इसको देख लेना मैंने पढ़ा रखा है। ये आपका कुंडली के घूमने की दिशा है वामावर्त, ठीक है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, ये हमारा पी है, क्यू है, यम है, ब्रूस है, ठीक है, बस ऐसा आप बनाना देख लेना, मैं आप लोगों को बनवा चुका हूं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाना बताया है, बनवाया भी है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कार्यविधि, इसकी कार्य कैसे करती है, ठीक है। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है उससे क्या होता है कि मतलब कुंडली की भुजाएं ए बी और सी डी बराबर परंतु विपरीत दिशा में हो, ठीक है, दो बल युग्म कार्य करने लगते हैं, मतलब बराबर और विपरीत दिशा में होता है तो ए बी पर कार्य करता है और सी डी दोनों पर कार्य करना लगता है, विपरीत बल युग्म, ये बल एक बल युग्म कहलाते हैं या बनते हैं, बल युग्म बनाते हैं, और जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है, जिसके कारण जो कुंडली होती है वो दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं, इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बलयुग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली पर में एक दिशा में घूमती रहे, अर्थात जो कुंडली है वो एक ही दिशा में घूमती रहे, बस क्रिया विधि छोटा सा है, बहुत शॉर्ट में बताया हूं, ठीक है, ताकि आप लोग याद कर सको। चलो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और, लास्ट में आपसे ये पूछ रहा है कि विभक्त वलय का महत्व, तो विभक्त वलय का कार्य जो है कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है, जो कुंडली में प्रवाहित दिशा है उसको उल्टा करना, विपरीत करना, बदलना है। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेता है तो विभक्त वलयों का ब्रशों से संबंध या संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत ब्रशों से संपर्क जुड़ जाता है, इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की सदैव इस प्रकार बनी रहती है, कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है, बस इतना सा आपको तैयार कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए, अभी मैं आपको और भी लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, ये आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।